नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोकैड में फिल्टर कमांड कैसे यूज की जाती है। फिल्टर को आप समझ सकते हैं कि किसी चीज को छानना। ऑटोकैड में यूज होने वाले सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट, जैसे रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, आर्च, टेक्स्ट, हैचिंग, ब्लॉक या कुछ भी हो सकता है, अब इन सबको आप सिलेक्ट करके पर्टिकुलर लेयर में डाल सकते हैं। इनको आप लेयर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं। अब जैसे आपको यूज करना है फिल्टर कमांड, तो आप सिंपल सा ऑटोकैड में टाइप किए fi। जैसे आपने fi टाइप किया तो एक विंडो खुलेगी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन विंडो। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं सेलेक्ट फिल्टर। सेलेक्ट फिल्टर जैसे आप जाएंगे तो एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी, जैसे आर्च हुआ, सेंटर हुआ, बॉडी हुआ, कैमरा, सर्कल हुआ, इमेज हुआ, लेयर हुआ, कुछ भी हुआ। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसके दो ऑप्शन बताऊँगा। अब जैसे आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर सारे सर्कल सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कर लीजिए आप, ऐड टू लिस्ट कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अब विंडो बना लीजिए एक, आप जितनी दूरी में विंडो बनाएंगे उतनी दूरी में जितने भी सर्कल है सबको सेलेक्ट कर लेगा। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सर्कल डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कलर के अंदर है, डिफरेंट लेयर में हो सकते हैं, तो इन सबको सेलेक्ट करके आप कोई पर्टिकुलर लेयर में डाल सकते हैं। जैसे मैंने इनको लेयर में डाल दिया एरिया, इनका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इनका मैं लाइन टाइप चेंज कर सकता हूँ और लाइन विड्थ चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे को हैचिंग फिल्टर करनी है, तो एक तरीका आपने देखा कि आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, फिर आपने फिल्टर किया। अब आप इस लिस्ट को क्लियर कर दीजिए, यहाँ से क्लियर कर दीजिए। अब करना क्या है, जैसे आपको हैचिंग सेलेक्ट करनी है, ऐड सिलेक्शन ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद में ये मेरा हैच है, सारे ब्लॉक हैच है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस हैचिंग की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाएगी, हैचिंग का कलर क्या है, हैचिंग का लेयर कौन सा है, सभी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर अपने को सारी हैचिंग एक साथ सेलेक्ट करनी है या पर्टिकुलर रेड वाली हैचिंग सेलेक्ट करनी है, तो आपको करना ये है, आपको ऐसे कलर रख लेना है, हैच का ऑब्जेक्ट रख लेना है, लेयर रख लेना है। लेयर आप रखो चाहे मत रखो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेयर को ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं, लाइन टाइप को भी डिलीट कर सकते हैं, बाकी आप सबको डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रखिए, इस ड्राइंग में जितने भी रेड हैच है सबको ही सेलेक्ट कर लेगा। अप्लाई करके रेक्टेंगल बना दीजिए आप, अभी जितनी भी रेड हैचिंग है सारी सेलेक्ट हो गई। अब हैच को आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। ऐसे टेक्स्ट के अंदर है, जैसे यहाँ से आप टेक्स्ट चूज कर लिए, ऐड टू लिस्ट कर लीजिए, अप्लाई ऑल कर दीजिए, तो सारे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेगा ये। इसको आप डिलीट कर दे, सारे टेक्स्ट डिलीट हो गए। अब आपको चाहिए कि आप पर्टिकुलर रेड वाले टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको फिल्टर कमांड यूज़ करनी है, यहाँ पर क्लियर लिस्ट कर देनी है, ऐड सिलेक्शन ऑब्जेक्ट करना है और रेड वाले टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसकी सारी प्रॉपर्टियाँ खुल जाएगी, ये ऑब्जेक्ट टेक्स्ट है, लेयर है, लाइन टाइप है, कलर है। तो अपने को इसमें दो ही ऑब्जेक्ट रखने हैं या दो ही इसमें प्रॉपर्टी रखनी है, टेक्स्ट रखना है ऑब्जेक्ट और इसका कलर रखना है। तो मैं सबको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने दो ऑप्शन यहाँ पर रख लिए हैं, अप्लाई करूँगा और एक सेलेक्ट कर लूँगा, तो इससे होगा ये पर्टिकुलर रेड कलर के टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट होके मैंने बाहर निकाल लिए। तो ये जो फिल्टर कमांड है ये टेक्स्ट, लेयर, हैचिंग, ब्लॉक सभी में काम करेगी, आपका ड्राइंग में काम हल्का हो जाएगा, काम इजी हो जाएगा और लेयर को मैनेज करना इजी हो जाएगा। जब अपन ऑटोकैड पे काम करते हैं तो लेयर बना नहीं पाते हैं, या जो पहले से ड्राइंग बनी हुई है उसको आप लेयर में करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप फिल्टर कमांड का यूज़ करके उनको डाटाज को लेयर में डाल सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सारी ग्रीन हैचिंग है मैं इसको पर्टिकुलर एक लेयर में डालना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ही फिल्टर कमांड यूज़ करना है, मेरे को सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, मेरे को ग्रीन हैच रख लेना है, मेरे को अप्लाई करना है, अप्लाई मैंने कर दिया, ये सारी ग्रीन हैच हो गई। अब इसको आप पर्टिकुलर कोई भी लेयर में डाल दीजिए, जैसे प्लांट लेयर में डाल दिया मैंने इसको, तो ये सारे प्लांट लेयर में डल गए। तो ये थी फिल्टर कमांड,
इस वीडियो के दौरान आपके कोई भी सवाल सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है और साथ ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है, तो आप मेरे को वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।